जानते हैं आज की वीडियो में। Hey guys, welcome back to yet another video, जहां पर हम बात करते हैं साइंस से रिलेटेड कुछ ऑसम चीजों के बारे में। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारा जो आसमान है उसका कलर ब्लू क्यों होता है, why is the sky blue? So, सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो सन है उसका कलर ना तो येलो है और ना ही पर्पल। एक्चुअली सन का जो कलर है वो है व्हाइट, और जो आसमान का कलर हमें दिखता है वो हाईली डिपेंडेंट होता है फर्स्टली द सोर्स ऑफ लाइट, कि लाइट का जो सोर्स है उसका क्या कलर है, और सेकेंडली जो हमारा एटमोसफेयर है उस एटमोसफेयर में क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से वो लाइट वेरी करता है। अब अगर हम अपने सन की बात करें तो सन ऑल्दो व्हाइट कलर का है, लेकिन सन में जो है सारी लाइट्स यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम की जितनी भी वेवलेंथ है वो सब कुछ सनलाइट के अंदर आ जाती है। तो बात ये उठती है कि आसमान का कलर ब्लू क्यों है। अब आसमान का कलर ब्लू है हमारे एटमोसफेयर की वजह से। हमारे एटमोसफेयर में बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें से कुछ है गैसेस, वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल्स। अब अगर गैसेस की बात करें तो हमारे एटमोसफेयर में जो मेजर चंक है यानी कि 78% जो गैस है वो है नाइट्रोजन, और 21% जो गैस है वो है ऑक्सीजन। बाकी के बचे कुछ जो गैसेस है उनका कॉम्बिनेशन अराउंड 1-2% होता है। तो बेसिकली जब हमारे एटमोसफेयर में ये विजिबल स्पेक्ट्रम की सारी फ्रीक्वेंसीज की लाइट्स जब एंटर करती है तो ये जो पार्टिकल्स बीच में हिंड्रेंस आते हैं उन हिंड्रेंस को जो है सबसे लंबे वेवलेंथ वाले जो लाइट्स है जैसे कि रेड और ऑरेंज, ये उनको ओवरकम करके आगे निकल जाते हैं, उनसे टकराते नहीं है। और जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट है यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट रेज है जैसे कि आपका वायलेट हो गया, ब्लू हो गया, इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं इन पार्टिकल से टकरा के स्कैटर हो जाने के। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि हमको आसमान में जो है ये सारे जितने भी ब्लूइश ह्यू के जितने लाइट है वो सारे जो है स्कैटर होकर हमको आसमान में दिखते हैं। दैट्स वाई द स्काई इज़ ब्लू। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, यानी कि जितना कम वेवलेंथ होगा उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी, और यही रीजन है कि हमको आसमान का कलर ब्लू दिखाई देता है ना कि रेड या फिर ग्रीन। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज, बिकॉज नाउ श्योर बिट्स स्मार्टर देन बिफोर।